तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये कैसे पता कर पाइएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मेरे भाई, यदि आपने आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवाया है, जैसे कि आप अपना नाम, जन्म तिथि, पता या फिर बायोमेट्रिक एड्रेस जिसमें फ़ोटो, आईरिस, फिंगरप्रिंट आता है, इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर किसी और प्रकार का इन्फॉर्मेशन को चेंज करवाया है या फिर लिंक करवाया है, तो भाई आप पता कर सकते हो घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से ही कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर आ जाना है और गूगल अथवा क्रोम ब्राउज़र में से किसी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे आकर के आप टाइप करोगे SSUP। ठीक है, क्या टाइप करोगे तो SSUP आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा SSUP.UIDAI.GOV.IN, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से एक ऑफिशियल पेज आधार कार्ड का आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों नीचे जब आओगे ना तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन आपको देखने को मिल रहा है और चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर से एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। देखो खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ पेज आपको नज़र आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे चेक आधार स्टेटस देखने को मिलता है, आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड स्टेटस चेक करने के तीन माध्यम है। सबसे पहला तो आप इनरोलमेंट आईडी नंबर की सहायता से चेक कर सकते हो। यदि आपके पास में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है तो उससे भी आप चेक कर पाओगे। यदि आपके पास में अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है यानी URN नंबर है तो इससे भी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, जो नंबर है उस वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है। तो मैं यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी से चेक करने वाला हूँ, तो इनरोलमेंट आईडी वाले बॉक्स पे मैं टिक रहने दूंगा। फिर यहाँ पे 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर डाल देना है। तो दोस्तों 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर कहाँ पे मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाए होंगे तो आधार कार्ड सेंटर वालों की तरफ से आपको एक पावती दिया जाता है, एक रसीद दिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो लिखा रहता है अपडेट अनुरोध संख्या, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, यही आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है तो इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है और ये टोटल 14 डिजिट का ही होता है। ठीक, तो ये जो 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर है इसी को आपको डाल देना है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, यही जो 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी है इसी को आपको इंटर कर देना है। मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ से आगे के जो कुछ लेटर्स है, कुछ अंक है, उसे हाइड कर दिया है, तो इसे आप मैनेज कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर को डाल दिया है। फिर दोस्तों आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए। दोस्तों जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट EID डेट लिखा हुआ है और यहाँ पे सिलेक्ट EID टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, EID का मतलब होता है इनरोलमेंट आईडी टाइम और इनरोलमेंट आईडी डेट। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में जस्ट आप पढ़ते हो मेंशन डेट एंड टाइम एज पर द एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑप्शनल। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है, इसे आप नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, फिर दोस्तों जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप भरिएगा। कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कैप्चा डाला, ये कैप्चा जो है वो यहाँ पे एरर आ गया, तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार ट्राई करनी है, फिर से आपको दूसरी बार कैप्चा डालना है। ठीक है, पहली बार आप जब कैप्चा डालते हो तो ये एरर बता देता है, लेकिन दूसरी बार कैप्चा डालने पर आपका स्टेटस शो हो जाता है। जैसा आप देख सकते हो मेरा स्टेटस हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ पर स्टेटस के अंदर आप देख सकते हो लिख करके आ चुका है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, उसके बाद वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड, यानी कि मेरा तीनों जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा यहाँ पे देख सकते हो नीचे में मैसेज डिस्प्ले है, योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज़ डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidai.gov.in। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका आधार कार्ड जनरेट कर लिया गया है, जब तक कि आपको प्रिंट करके पोस्ट किया जाता है आप चाहो तो इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब भाई देखो, यहाँ पे अगर इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले होता है तो आपका भी आधार कार्ड बन चुका है, अपडेट हो चुका है, उसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आधार कार्ड अपडेट होने के बाद ये आपके घर तक बाय पोस्ट डिलीवर नहीं होता है। यदि आप यहाँ पे ऑनलाइन अगर नया PVC आधार कार्ड मंगवाते हो तो ही आपके घर तक ये डिलीवर होता है, अन्यथा ये आपके घर तक पोस्टमैन के द्वारा नहीं भेजा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका मान लो कि वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है या फिर आधार अपडेट रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप फिर से नज़दीकी आधार सेवा केंद्र में जा कर के अपडेट करवा सकते हैं। अब भाई इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपका भाई खड़ा है, तत्पर है जवाब देने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।